बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबी वाला, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। और ये सीरीज़ यानी इस लेक्चर नंबर 7 का जो टॉपिक है, ये हमारा थोड़ा लेंथी चलेगा, क्योंकि हमने इसमें स्पैनिंग ट्री पढ़ना है। और स्पैनिंग ट्री टॉप लेवल पे पढ़ना है हमने, यानी स्पैनिंग ट्री फुल कम्प्लीट पढ़ना है। उसमें हमें यानी CCNA, CCNP, इवन CCI लेवल तक की चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। यानी अगर आप CCI का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो मेरे ख्याल में इसमें वो हर चीज़ कवर होगी जो CCI के टॉपिक्स में होगी। तो शुरू करते हैं। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये पार्ट 1 है। ये मेरी कोशिश होगी कि 3 तक जाए, मगर पॉसिबिलिटी है ये पार्ट 4 तक चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं इस लेक्चर को प्रिसाइज रखूँगा, शॉर्ट रखूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर डॉक्यूमेंट लेवल पर चले जाते हैं। मगर आप लोगों को वो तमाम टर्म्स का पता होगा जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो लेक्चर नंबर 7, स्पैनिंग ट्री क्या है? आप लोगों को पता है स्पैनिंग ट्री क्या है, कि स्पैनिंग ट्री एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है, और वो उन तमाम नेटवर्क्स में यूज़ होता है जहाँ पे रिडंडेंसी हो, ठीक है? और अगर हमारे पास रिडंडेंसी है, तो हमारे जो स्विचेस हैं उसमें लेयर 2 या ब्रिजिंग लूप हो जाता है, ब्रिजिंग लूप क्रिएट हो जाता है। और जब लूप क्रिएट हो जाता है, तो हमारा स्विच जो सा है वो उसको ब्लॉक करता है, ठीक है? और उस ब्लॉकेज के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 2 स्विच हैं, और आपको पता है स्विच कैसे काम करता है, और इन दोनों इस स्विच से अगर एक पैकेट आया इस PC के पास से, जिसका मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस स्विच के पास नहीं है, तो ये स्विच क्या करेगा? उस पैकेट को उठा के ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है? जिसे हमने फ्लडिंग का नाम दिया था। अगर मेरे पास 2 रिडंडेंसी हो इस नेटवर्क के अंदर, तो अगर ये ब्रॉडकास्ट क्रिएट होगी, तो वो यहाँ पे भी जाएगी और वो स्विच के पास जाएगी, स्विच को भी नहीं पता होगा, वो यहाँ से वापस आएगी और हमारे पास कुछ सॉर्ट ऑफ लूप क्रिएट हो जाएगा। इसकी मुझे अच्छी तरह एग्जाम्पल याद है कि अगर आपके पास 2 अनमैनेज स्विचेस टाइप की चीज़ें हैं, जो जो स्पैनिंग ट्री वियर्ड नहीं है, उनके अंदर से एक केबल या उसी स्विच में से एक केबल निकाल के वापस उसमें लगा दें, लूप बन जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, जहाँ पर मैंने पहले पहले एज अ नेटवर्क इंजीनियर तो नहीं कह सकते, निक्के का काम किया था, निक्का होने का काम किया था नेटवर्क के अंदर, तो वो उस नेटवर्क में किसी एक साइंटिस्ट ने ना लूप क्रिएट कर दिया था, पूरे का पूरा नेटवर्क डाउन होता था, आप होता था, डाउन होता था, आप होता था। तो इट वाज ड्यू टू द स्पैनिंग ट्री लूप्स। तो ओरिजिनली 802.11d एक स्टैंडर्ड बना, बहुत पुराना बना। हम देखेंगे उसकी लिमिटेशंस क्या है, और उसके बाद फिर हम मेरे ख्याल में तीसरे चौथे लेक्चर में RSTP को डिस्कस करेंगे कि वो ज़्यादा फास्टर कन्वर्जेंस देता है, क्योंकि उस टाइम पे नेटवर्क के अंदर 20 30 40 सेकंड का डिले वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हमारी एप्लीकेशंस टाइम आउट नहीं होती थी। अब तो अगर आप वॉइस ओवर IP की कम्युनिकेशन हमारे नेटवर्क के ऊपर आ गई, हम लोगों ने सैन कम्युनिकेट करनी शुरू कर दी, और बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जो लाइक 1 मिली सेकेंड डिले भी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है? तो उस टाइम जो है 10 से 15 20 सेकेंड का डिले जो है वॉज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो अभी तक वो स्पैनिंग ट्री जो है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर रन हो रहा है, मगर हमने उसके अंदर ट्विकिंग की और नए स्टैंडर्ड्स आए और नए प्रोटोकॉल्स आए। तो अभी हम स्टैंडर्ड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, जो बेसिक स्पैनिंग ट्री 802.11d, जो ऑर्डिनरी नेटवर्क के अंदर जो है लेयर 2 के अंदर, या ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, या स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर जो लूप क्रिएट होता है, उसको अवॉइड कैसे करता है, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल, वही मैं अपनी बेसिक टोपोलॉजी अगर बनाऊँ 3 स्विचेस की, तो ये स्विच है और स्विच में लूप आ गया, तो हमने क्या किया, इस लिंक को ड्रॉप कर दिया, अब हमारे पास लूप नहीं है, ठीक हो गया? दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री। थोड़ा सा और रिविजन करते हैं। अगर आपको याद हो, ये एक चीज है जिसे बुमरिंग कहते हैं। तो ये स्विच को कैसे पता चलता है कि नेटवर्क के अंदर लूप है, कि अगर मेरे पास 3 स्विचेस हैं, और ये स्विच जिस तरह ये ऑन होता है, ये एक पैकेट क्रिएट करता है विच इज कॉल्ड ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है? और ये अपने नेटवर्क से सेंड करता है, अपनी केबल से सेंड करता है, और वो ये घूम के अगर उसके पास वापस आ जाता है, तो इसको पता चल जाता है कि इस नेटवर्क के अंदर लूप है। फिर ये वो ब्रिजिंग, इलेक्शन और वो सारे प्रोसेसेस में जाता है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे आपको इन तमाम चीज़ों का पता है, क्योंकि आप पीछे से CCNA पढ़ के आ रहे हैं। अगर आप में से आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो यू बेटर डू CCNA फर्स्ट, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आए, क्योंकि अब हम CCNA नहीं, अब हम CCNP लेवल की बात कर रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे कि आपके नेटवर्क के अंदर ठीक है 1 या 2 रिडंडेंट लिंक है, तो ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पर आप ये वीडियो पॉज करें, और इस के नेटवर्क के ऊपर इसको केबल पे ड्रॉ करने के बाद, पेपर पे ड्रॉ करने के बाद, ज़रा एज्यूम करें कि आपके पास कितने रिडंडेंट लिंक हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब आप पॉज करें और आप अपने तौर पे बना के देखें, और इतनी देर में मैं भी बनाता हूँ।
वेलकम बैक। और ये देखिए जी, मैंने लिंक बना दिया, अभी मैंने और टोपोलॉजी को और कॉम्प्लेक्स नहीं किया, मैं यहाँ पर भी इथर चैनल बनाना चाह रहा था कि ये मेरी जो सी है ए और बी, ये मेरी कोर लेयर है, ये मैंने डायग्राम में ज़्यादा ही ऐसी तैसी फेर दी है, ये मेरी कोर लेयर है और ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है और ये मेरी एक्सेस लेयर है, और एक्सेस लेयर से हर स्विच को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर कनेक्ट कर दिया। ये इस डिबेट है भी, इसमें बहुत सारे लोग डिज़ाइन वाइज गलतियाँ निकाल रहे हैं जी, ये लूप आपने क्लोज लूप बना दी है और ये वो, ठीक है। तो अब इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं ऐसी होंगी जिसके लिए आप लोगों को स्पैनिंग ट्री रन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि से फॉर एग्जांपल अगर इसी स्विच से एक लूप क्रिएट हो जाए तो वो किसी ना किसी तरह कुछ नेटवर्क्स के लिंक्स को डाउन कर देगा, स्पैनिंग ट्री रन होगा तो वो कुछ नेटवर्क्स के लिंक को डाउन कर देगा, पूरा का पूरा स्टैक इस तरह जा रहा होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये दो केबलें ये यहाँ से यूं जा रही हैं और ये यहाँ से यूं जा रही हो। बट एनीवे, तो जस्ट जस्ट टू शो यू कि हमारे जो मॉडर्नाइज नेटवर्क है वो ऐसे से नहीं दिखेंगे, वो कुछ ऐसे से दिखेंगे। तो आप पता चले मेरे पास से CCNP पढ़ के जाओ, जब आप अपने नेटवर्क को देखो तो आपको पता चले वो ये तो अजीब सी सिचुएशन है। और अगर उसके ऊपर PVST चल रहा हो, पर विलियन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, तो फिर तो उसे कहते हैं ना उर्दू के अंदर सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर आप लोगों को और ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यानी स्पैनिंग ट्री इज़ रियली हार्ड टॉपिक टू टीच, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्विकिंग नहीं करनी होती है, बाई डिफॉल्ट रन हो रहा होता है अनटिल अनलेस आपने कुछ, से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने शायद ये टर्म भी ना सुना हो कि नेटवर्क डायमीटर चेंज करना, ठीक है। नेटवर्क डायमीटर कहाँ पर होता है मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, इस नॉट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस CCNP लेवल की चीज़ें, मगर फिर भी वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो यानी ये एक सॉर्ट ऑफ नेटवर्क बन गया आपके पास, ठीक है। और एक डायमीटर फंस गया मुझे अब, ठीक है, डायामीटर, ठीक है। डायमीटर क्या होता है कि एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम हॉप से गुजरने के बाद कितना नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक दो तीन चार चार पाँच छः सात आठ, ये रफली आठ नेटवर्क्स का, आठ स्विचेस का डायमीटर है। सिस्को की रिकमेंडेशन है कि यानी मैक्सिमम नेटवर्क डायमीटर शुड नॉट बी मोर देन लाइक 7 स्विचेस, 7 स्विचेस से ज़्यादा का डायमीटर नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपके BPDU के हेलो पैकेट्स, एक्चुअली इट इज़ समथिंग टू डू विद द BPDU हेलो पैकेट्स। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये जो BPDU है ना, ये बाई डिफॉल्ट हर 2 सेकेंड्स के बाद सेंड हो रहा होता है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा ब्रिज रूट ब्रिज है, ठीक है, ये मैंने कहा मेरा रूट स्विच है, ठीक है, ये रूट ब्रिज कहते हैं, ये हर 2 सेकंड के बाद ना BPDU सेंड कर रहा है, ठीक है, जितनी भी उसके लिंक्स है, ठीक है। अब जितना ही उस वो अपने तमाम 2 2 सेकंड के बाद BPDU सेंड कर रहा है, तो वो अंडरस्टैंड करना चाह रहा है कि नेटवर्क का स्टेटस क्या है। BPDU की टाइप्स होती हैं, अभी हम आगे जाके देखेंगे कि क्या टाइप्स होती हैं। PPDU के पैकेट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होती है कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले आपका नेटवर्क की क्या सिचुएशन है, उसके अंदर यूनिक आइडेंटिफायर की वैल्यूज है, हम लोग अभी देखेंगे उसके बाद थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अगर आपके नेटवर्क का डायमीटर बहुत ज्यादा है तो क्वाइट पॉसिबल है कि 2 सेकंड तक वो जो BPDU है यहाँ पर पहुंचे ही ना, ठीक है, और पीछे से उसका एक और BPDU आ रहा हो। तो इस आइडली सजेस्टेड कि भाई 2 सेकंड रखा जाए, आप लोग ये वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने 1 सेकंड कर दिया, आपने कहा मैं स्पैनिंग ट्री को बहुत बेहतर मॉडिफाई करना चाहता हूँ, और पता चले वो आपका वो 1 सेकंड के अंदर अंदर तक यहाँ पे पहुंचे ही ना, और आप यानी आप अपने नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू बैलेंस करना है कि आपके नेटवर्क का डायामीटर कितना है और आपके नेटवर्क के BPDU की वैल्यू क्या है, कि BPDU हर 2 2 सेकंड के बाद सेंड हो रहा होता है, ठीक है। टू कंफर्म द नेटवर्क के अंदर कोई चेंज तो नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज है, उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। टाइमर्स, एक्चुअली सी स्पैनिंग ट्री टाइमर्स, ठीक है, स्पैनिंग ट्री STP जो टाइमर्स हैं वो अक्सर ऐसी चीज़ें होती है कि अगर आपको ऑन द रन याद नहीं है और आप ट्रबल शूटिंग रियल रियल प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, तो इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई अभी नेटवर्क में मसला क्या हुआ। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि ऐसी सी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के अपने टेबल के पास 4 5 दिन के लिए रखें, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। मगर ये नहीं कि आप किसी स्विच नेटवर्क में काम नहीं कर रहे, फिर मैं आपको सजेस्ट नहीं करता याद करने के लिए, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 5 साल पहले मैं एक नेटवर्क पे काम कर रहा था, वॉज नॉट अ बिग स्पैनिंग ट्री नेटवर्क, इट वॉज अ बिग ऑफ समथिंग एल्स नेटवर्क, तो मेरे मेरा वास्ता नहीं पड़ा। मगर पिछले 5 साल से मैं एक ऐसे नेटवर्क में काम कर रहा हूँ जो मैसिव नेटवर्क विद रेफरेंस टू द लेयर 2 टोपोलॉजी। कल को अगर मैं कोई और जॉब स्विच करता हूँ और वहाँ पे लेयर 2 टोपोलॉजी नहीं है, वहाँ पे कुछ और कर रहा हूँ, तो फिर आई वॉन्ट रिमेंबर दोस्त, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है आप किस किस्म के सिनेरियो में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल रूल ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रिवेंटिंग लूप्स के, स्पैनिंग ट्री
लूप्स कैसे प्रिवेंट करता है, वंस अगेन ये हमारा सीसीएनए में सारा डिस्कस हुआ हुआ है, इस टेक्निकली कॉल्ड अ ब्रिजिंग लूप, ब्रिजिंग लूप होता है, ठीक है। और जो लूप ये डिटेक्ट करता है वो BPDU से डिटेक्ट करता है। BPDU जो सी है एक एक सॉर्ट ऑफ छोटा प्रोटोकॉल पैकेट होता है, ठीक है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, और उस पैकेट के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रायोरिटी और मैक एड्रेस, ठीक है। आपके स्विच की और की एक प्रायोरिटी होती है और एक मैक एड्रेस होता है, वो दोनों मिला के हम उसे कहते हैं ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी, ठीक है। और वो आईडी की जो वैल्यू होती है उस पैकेट का, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, वो कुछ इस तरह का होता है 01802C200000, ठीक है। और ये जो है स्पेनिंग ट्री का मल्टीकास्ट एड्रेस है, यानी अगर एक स्विच ने BPDU क्रिएट किया तो वो इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेज देगा। इसका मतलब है कि पूरे पूरे स्विच नेटवर्क मेरे नेबर्स नेबर्स के नेबर्स नेबर्स के नेबर्स के पास चला जाए, जहाँ तक लेयर टू टोपोलॉजी एक्सटेंड करती है। अगर वो 5 स्विचेस तक है, 5 स्विचेस, 6 स्विचेस, 8 स्विचेस, जिधर जिधर जा सकती है, ठीक है। अब होता क्या है, ST आपका BPDU हेल्प करता है आपको स्पैनिंग ट्री लूप्स आइडेंटिफाई करने के अंदर, ठीक है, डिटेक्ट लूप्स इन द नेटवर्क, ठीक है। तो BPDU आपने सेंड किया, और अगर आपको वो आप ही का सेंड किया वो BPDU वापस मिल गया, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, आप समझ जाओगे कि नेटवर्क के अंदर लूप है और अब हमें कोई और प्रोसेस किक इन करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग इलेक्शन करवाएंगे और एक रूट ब्रिज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा वो देखते हैं। अच्छा, अब BPDU ना दो किस्म के BPDU होते हैं, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड BPDU होता है, ठीक है, कन्फिगरिंग BPDU, यानी नॉर्मल BPDU है जो सेंड होता है नेटवर्क में टोपोलॉजी चेंजेस वगैरह देखता है, हर दो दो सेकंड के बाद सेंड हो रहा है। और एक होता है टोपोलॉजी चेंज TCN BPDU। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वही एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी बनाते हैं, ठीक है, जो आपको रियल लाइफ में कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, और ये लिंक डाउन हो जाता है। अब ये स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम को एज किए बगैर, यानी उसका टाइमर जो चल रहा होगा, क्लॉक टाइमर जो अभी हम देखेंगे 20 सेकंड का टाइमर होता है, ठीक है, उसको किए बगैर एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगा TCN, और वो TCN अपने रूट के पास भेजेगा। मैं ज्यूम कर रहा हूँ ये मेरा रूट स्विच है, ठीक है, ये रूट ब्रिज है, उसके पास भेजेगा, और वो और उसके बाद तमाम नोटिफिकेशन तमाम यूजर्स को भेजेगा। उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि भैया मेरे स्विच की पोर्ट नंबर 2/1 पे जो लिंक पड़ा हुआ था वो डाउन हो गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड TCN पैकेट, ठीक है, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। ये BPDU का वो पैकेट होता है जब स्विच को कोई लिंक डाउन नजर आता है और वो फिर अनाउंसमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। मैंने आखिर में दो टोपोलॉजीज बनाई नहीं है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो ये TCN वैल्यूज, BPDUs और ये सारे ड्रामेबाजी हो रही होती है, ठीक है। सिर्फ आपने यही याद करना है कि एक स्टैंडर्ड BPDU होता है जो 2 सेकंड के बाद आ रहा होता है, और एक होता है TCN जो टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन BPDU होता है, ठीक है। उसके बाद ये टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन जो BPDU होता है ना, वो किसी ऐसी पोर्ट पे नहीं भेजा जाता, ये जस्ट आउट ऑफ द वे इन्फॉर्मेशन जिस पे आपने स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल किया था। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट पोर्ट का क्या मतलब होता है, CCNA में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पोर्ट है जिसके ऊपर हमने PCs लगाए हुए हैं। मुझे PC के को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत नहीं है कि मेरा अपलिंक डाउन हो गया, क्योंकि स्विच PC इज नॉट अवेयर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, PC के मतलब की नहीं है। अगर मेरे पास से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 PCs लगे हुए हैं और उनकी पोर्ट्स को मैंने पोर्ट फास्ट किया हुआ है, ठीक है, पोर्ट फास्ट, तो उसके ऊपर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं रन हो रहा होता, तो अगर ये लिंक डाउन होता तो ये मेरे PC को, मेरे स्विच को वहाँ पे BPDU भेजने की, TCN BPDU भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि जी मैंने टोपोलॉजी अप हुई और मेरे पास जितने वो जो 3 स्विचेस थे, ठीक है, 3 स्विचेस थे, और 3 स्विचेस को पता चल गया जी हमारे नेटवर्क में लूप है, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने रूट ब्रिज इलेक्ट करना है, ठीक है, और हर हर जो स्विच होता है उसकी यूनिक ब्रिज आईडी होती है, ठीक है, जिससे मैंने बता दिया प्रायोरिटी और मैक एड्रेस की बेस पे, ठीक है, एक प्रायोरिटी पैकेट, एक प्रायोरिटी होती है और एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास जोनसी है वो ब्रिज प्रायोरिटी 2 बाइट्स की होती है, जिसकी वैल्यू जोनसी है 0 to 65,535 होती है, बाई डिफॉल्ट जोनसी है 32,768 होती है, ठीक है, 32768, ठीक है, और उसके आगे ए, ठीक है, इस स्विच की जोनसी है 32768 BBBBB, और इसकी 32768 CCCC। अब कौन सा स्विच जोन सा है वो रूट ब्रिज बनेगा जिसकी ब्रिज आईडी छोटी होगी। अब ब्रिज आईडी छोटी कैसे हो सकती है, जिसका मैक एड्रेस छोटा होगा। अगर ये वैल्यूज सिमिलर है 32768 32768 32768, तो वही स्विच रूट ब्रिज बनेगा जिसकी मैक वैल्यू छोटी होगी। अब मैक वैल्यू किस स्विच की छोटी होगी, जो स्विच पहले बना होगा,
अगर आपके नेटवर्क के अंदर से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3500 स्विचेज हैं, 3560 हैं, 3550, 3560, 3750 स्विचेज हैं, ठीक है, 6500 स्विचेज हैं, 4500 स्विचेज हैं, ठीक है, ये एक बड़े नेटवर्क के अंदर इस तरह के स्विचेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, चंबे की बात नहीं। आपके पास एक 3524 XL स्विच पड़ा हुआ था नेटवर्क के अंदर कहीं पे, कबर्ड में लगा हुआ है, ठीक है, हम भूल गए, हमने वहाँ से केबलिंग भी उतार दी है, 10-10 MB की स्पीड देता था, ठीक है, मगर ये सिस्को ने स्विच पहले बनाया था। अब सिस्को ने जब ये स्विच पहले बनाया था तो इसका मैक एड्रेस क्या होगा, छोटा होगा। तो इन अगर इस पूरे नेटवर्क के अंदर जो 100-200 स्विचेज मैंने लगाए हुए हैं, इनके अंदर अगर इलेक्शन कराया जाए तो किसने जीतना है, 3254 ने जीत जाना है। अब 3254 को अगर 2-2 सेकंड के बाद BPDU भेजने पड़ जाए और उसको टोपोलॉजी से ट्रैफिक भी सारी गुजारनी पड़ जाए और रूट ब्रिजेस भी सारे उसकी उसकी वो तमाम पोर्ट्स जो सी हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हो जाएं या फॉरवर्डिंग पोर्ट्स करते हैं हम, ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती है नॉर्मली, तो अब उसकी हालत क्या होगी बेचारे की, उसकी CPU यूटिलाइजेशन क्या होगी, उसके उसकी CPU यूटिलाइजेशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ये 100% है। तो एक्चुअली वो बेचारा आधे काम नहीं कर सकेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम एक जो रूट ब्रिज होता है ना, जो कोर स्विच होता है, उसको उसका जो ब्रिज प्रायोरिटी है ना वो बड़ी कर देते हैं, कम कर देते हैं, सॉरी 4096, मैं मेरी फेवरेट ब्रिज आईडी मैं 4096 कर देता हूँ, तो जान छुड़ाता हूँ, ठीक है, ये एक्चुअली 4096 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए, 4096 फिर 8180 समथिंग, ठीक है, इस तरह करके वैल्यूज होनी है, 4096 के मल्टीपल्स में वैल्यू रखनी है होती है, कर सकते हो आप, मेरे ख्याल में ये नहीं कर सकते आप 10 कर दें, ठीक है। और मैक लोअर मैक एड्रेस इज़ गुड, मगर लोअर आप मैक एड्रेस तो चेंज नहीं कर सकते ना किसी पीसी का, और नॉर्मली ये जो ब्रिज आईडीज की जो वैल्यूज होती है, बैक प्लेन का मैक एड्रेस यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, आपका जो स्विच होता है उसके पास एक बैक प्लेन मैक एड्रेस होता है, ये नहीं होता किसी पोर्ट का मैक एड्रेस यूज़ हो रहा होता है, बैक प्लेन मैक एड्रेस यूज़ हो रहा होता है, और वो हार्ड कोडेड होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता अभी सिस्को ने कोई नई कमांड दे दी हो जो आप चेंज कर सकते हो, मगर मेरे ख्याल में चेंज नहीं हो सकता एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये हुआ कि हमारे टोपोलॉजी बनी, टोपोलॉजी में लूप फाइंड आउट हुआ, हमने इलेक्शन किया, अब इलेक्शन में जो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था उसने इसकी पोर्ट आईडी जो सी है वो से, फॉर एग्जांपल ये स्विच जो सा रूट बनना था, ठीक है, तो 4096, मगर इसका मैक एड्रेस नया वाला है क्योंकि ये नया स्विच है, तो अब मगर इसकी पोर्ट आईडी कम है, ब्रिज आईडी छोटी है, तो ये हमारा जो सा है अब रूट ब्रिज बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, इलेक्शन हो गया, रूट ब्रिज बन गया। अब इलेक्शन के बाद जब रूट ब्रिज बन गया तो अब हाउ टू गेट टू द रूट ब्रिज, जितने नॉन रूट ब्रिज हैं उनके ऊपर एक एक रूट पोर्ट बन जाएगी, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल दोबारा मैंने इंक निकाल दी और उसी तरह मैंने एक छोटा सा जो नॉन प्रैक्टिकल लाइफ टोपोलॉजी बना दी, ठीक है, और ये मेरा जी रूट ब्रिज हो गया, इसकी रूट ब्रिज की तमाम पोर्ट्स ऑफ हैं, ठीक है। अब हर स्विच जो स्विच ए और बी है इसके पास रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए एक एक्टिव पोर्ट होनी चाहिए, तो मैंने कहा इसकी एक्टिव पोर्ट ये है जिसे मैंने कह दिया रूट पोर्ट, ठीक है, और इसके पास पहुंचने के लिए एक पोर्ट है इस कॉल्ड रूट पोर्ट, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या कि एक सेगमेंट, एक लिंक नहीं होना चाहिए, एक सेगमेंट होना चाहिए, एक सेगमेंट के ऊपर एक डेजिग्नेटेड पोर्ट हो सकती है, से स्विच ए और स्विच बी का ये एक शेयर्ड सेगमेंट है, तो अब स्विच ए और स्विच बी आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्विच का जो सा है डेजिग्नेटेड पोर्ट जो सी है वो बनेगी, ठीक है, ये भी कहेगा मेरी डेजिग्नेटेड पोर्ट होनी चाहिए, ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट कहेगा, ठीक है, तो जिस स्विच का मैक एड्रेस स्मॉल होगा, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्विच ए का मैक एड्रेस स्मॉलर था तो ये जो सी है डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगी और ये जो स्विच बी की जो पोर्ट है ये ब्लॉकिंग पोर्ट बन जाएगी। कुछ लोग यहाँ पे एक बात करते हैं कि अगर मैक एड्रेसेस सिमिलर हो जाए, मैक एड्रेसेस सिमिलर होने की या ब्रिज आईडी सिमिलर होने के चांसेस नहीं है, मगर एक टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें चांसेस हैं, ये अब ये रूट ब्रिज बन गया, इसकी दोनों पोर्ट्स अप हैं, ये है, अब ये इसमें डेजिग्नेटेड सॉर्ट ऑफ पोर्ट कौन सी बनेगी, मैक एड्रेस शेयर होगा, पोर्ट नंबर से 02/1 है और यहाँ पे 2/2 है, तो जिसकी पोर्ट नंबर स्मॉलर होगी वो जो सी है ब्लॉकिंग पोर्ट हो जाएगी। एनीवे ये टोपोलॉजी भूल जाओ, ये कभी भी आपके पास नहीं होगी, यही टोपोलॉजी आपके पास यूज हो रही होगी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि पोर्ट नंबर पे आपके पास जो सा है इलेक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो मेरा रूट ब्रिज हो गया, रूट पोर्ट होगी, रूट पोर्ट होगी, ए बी सी स्विचेस हो गए। थोड़ी सी हल्की सी कॉम्प्लेक्स करूँ टोपोलॉजी, हल्की सी कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं टोपोलॉजी, ये मेरा स्विच है, ये स्विच है, और
इसके साथ जी ये स्विच है, ये आपस में कनेक्ट हो गया, और ये स्विच है, और इस स्विच के साथ एक और स्विच है, और ये ठीक है, ये मेरा रूट ब्रिज हो गया। ठीक है, अब रूट पोर्ट कौन कौन सी हैं, ये मेरी रूट पोर्ट है, ये मेरी रूट पोर्ट है, ये मेरी रूट पोर्ट है, और ये मेरी रूट पोर्ट है। अब इसमें से एक की ब्लॉकिंग है और एक की डेजिग्नेटेड है। ठीक है, एक की ब्लॉकिंग है और एक की डेजिग्नेटेड। ठीक हो गया, यहाँ तक टोपोलॉजी समझ आ गई। अब आपके पास थोड़ी बेहतर टोपोलॉजी होगी, समझ आ गई। अच्छा, अब अगर मैं ने क्या करना है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं पहले। अच्छा, अब पाथ कॉस्ट, पाथ कॉस्ट पे जाने से पहले मैं आपको दोबारा वही टोपोलॉजी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, वो जो अभी हम थोड़ी देर पहले बना रहे थे। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ यू की टोपोलॉजी है। ठीक है, और ये भी कर लेता हूँ। अब अगर ये जो लिंक था ये 100 Mbps का था, मगर ये 10 गीग का लिंक है, ये 1 गीग का लिंक है, ये भी 1 गीग का लिंक है, और ये भी 1 गीग का लिंक। तो ये हर लिंक की जो सी ना एक वैल्यू होती है। ठीक है, जब मेरे पास से एक BPDU जाएगा या किसी के पास से, किसी और रूट स्विच के पास से एक BPDU जनरेट होगा, जब भी वो मेरे स्विच पे आएगा, तो जैसे ही वो मेरे स्विच की पोर्ट पे पहुंचेगा, तो मैं जिस तरह एंटरिंग पोर्ट के हिसाब से उस पर लिंक पाथ वैल्यू एंटर कर दूंगा। ठीक है, वो जो लिंक पाथ या स्पेनिंग ट्री पाथ कॉस्ट है, वो मेरी मुझे आइडेंटिफाई करेगी कि क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और अगर आप पुरानी बुक्स देखेंगे, तो आपके पास जो सी है ना STP की वैल्यूज़ कुछ ये आ रही होंगी। अब इसके अंदर लिमिटेशन ये थी कि 1 Gbps के बाद आगे जितने लिंक्स हैं, वो वैल्यू जो है उन सबको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो स्पेनिंग ट्री की वैल्यू जो सबकी 1 हो जाती थी या 0 हो जाती थी, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था 1 GB, 10 GB और 40 GB के लिंक के दरमियान। ठीक है, तो फिर नई वैल्यूज़ रिकेलकुलेट हुई। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक 100 Mbps का लिंक है और एक 1 Gbps का, तो एक लिंक की जो 100 Mbps का लिंक है, उसकी कॉस्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल 19 है, मुझे ये जुबानी याद नहीं है, आई वुड एग्री। ठीक है, और ये जो 10 गीग की है ये 2 है, और ये 1 गीग की 4 है, मेरे ख्याल में 4 होती है, 4 है 6 है, 1 गीग की 4 है, 4 4 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ से रूट ब्रिज तक जाने के लिए मेरे पास जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, ठीक है, ए टू रूट इज इक्वल टू 19। ठीक है, ए बी टू रूट इज इक्वल टू 2 और 4 6, और ए सी बी टू रूट इज इक्वल टू 4 4 4 16। तो बेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये तो ये पोर्ट जो सी है मेरी, ये पोर्ट जो सी है ये मेरी रूट पोर्ट बन जाएगी, बाकी मैं ब्लॉक कर दूंगा, मुझे पता है ये रूट पे जाने के लिए बेस्ट राउट है मेरे पास। समझ आ गई, दिस इज हाउ आपका जो स्विच है वो आइडेंटिफाई करता है रूट पोर्ट। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू जिसके बेस पे ये रूट पोर्ट कैलकुलेट कर रहा होता है, इस कॉल्ड अ स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल पाथ कॉस्ट, ये पाथ कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और ये पाथ कॉस्ट वैल्यूज चेंज हो गई हैं, पहले जो है 100 Mbps की 10 हुआ करती होती थी। ठीक है, और 1 Gbps की 1 होती थी, उससे आगे हमारे पास होती नहीं थी वैल्यू, 0 0 भी हम लगाते होते थे, 1 1 भी करते होते थे। एनीवे, पर अब जो सी हैं वो ये आ गई हैं, मेरे ख्याल में 40 गीग की कह रहे हैं कि वो 1 करती है, अब लोगों ने कि 40 गीग 1 पे कैलकुलेट करता है। अगर आप शो स्पेनिंग ट्री की टोपोलॉजी या शो स्पेनिंग ट्री समरी या शो स्पेनिंग ट्री इंटरफेस FA0/1 या जो भी इंटरफेस है उसकी कमांड रन करेंगे ना, आपके पास ये तमाम इंफॉर्मेशन आ रही होती है। अच्छा, लोअर ब्रिज आईडी, जिस तरह मैंने बताया था, लोअर ब्रिज आईडी जो सी है वो मैं, ये मेरे ख्याल में मैं सारा कुछ इधर ही डिस्कस पीछे ही डिस्कस कर चुका हूँ, कि अगर आपके पास टाई हो जाता है कि दो स्विचेस के दरमियान कि किसकी लोअर ब्रिज आईडी है, तो जिसकी पोर्ट लोअर है वो जो सा है लिंक जो सा है वो डेजिग्नेटेड हो जाएगा, और दूसरा लिंक ब्लॉकिंग हो जाएगा। इसी तरह दोबारा यहाँ पे मैंने कहा, एक दफ़ा दोबारा कर दो, A B C और D। ठीक है, इसकी इसकी ब्रिज आईडी से फॉर एग्जाम्पल नॉन रियलिस्टिक 4096। ठीक है, ए ए ए ए ए। ठीक है, ये क्या हो गया, मैंने कहा ये भी, ये उसकी इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्पेनिंग ट्री वैल्यू है 32 32 50, क्या थी, 32 768, 32 768। ठीक है, सी 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 सी। ठीक है, इसकी 32 768, ये ब्रिज ब्रिज वैल्यू है। ठीक है, ब्रिज आईडी, और ये 32 768 बी 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 बी। ठीक है, ये रूट ब्रिज बन गया।
अब इन तमाम ने रूट पोर्ट बनानी है। तो मैंने कहा, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये वन वन गीग का लिंक है, ठीक है, इसको कह दिया 10 गीग का लिंक है और ये 1 गीग का लिंक है, ये भी 1 गीग का है और ये भी 1 गीग का है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इनकी पाथ वैल्यूज डालते हैं। पाथ वैल्यूज जो इस तरह ये हम लोगों ने पीछे देखी है, 100 मैं की 19 है, 402, ठीक है, 2 4 4 4। अब इसका तो रूट पोर्ट ये होगी, इसकी रूट पोर्ट ये होगी, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इलेक्शन करके जो भी करना होगा, मगर अब इस बेचारे की रूट पोर्ट ढूंढनी है हमें, ठीक है। इलेक्शन नहीं, यानी देखेंगे कि किसकी मैक आईडी स्मॉलर है, वो ब्लॉकिंग हो जाएगी, उसको बाद में देखते हैं। ये रूट पोर्ट होगी, ये रूट पोर्ट होगी। अब इसने अगर डी ने अगर रूट ब्रिज तक जाना है, तो इसके पास जो स्पेनिंग ट्री पाथ वैल्यू है वो क्या बनेगी, 8, और यहाँ से कितनी बनेगी, 6। तो इस पोर्ट को रूट पोर्ट कर देगा और इस पोर्ट को क्या करेगा, ठीक है, इसको डेजिग्नेटेड पोर्ट कर देगा, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में टाई हो जाएगा, भैया अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, तुम्हारे साथ कैसे निपटूँ। तो इसका जो सा है मैक एड्रेस जो सा है स्मॉलर है, तो ये डेजिग्नेटेड हो जाएगी और ये ब्लॉकिंग हो जाएगी पोर्ट, ठीक है। ये रूट पोर्ट है ज़ाहिर है, अगर ये मैं ब्लॉक कर दूंगा तो ये बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा, तो इसकी रूट पोर्ट है, ठीक है। तो ये इस स्विच ने अगर रूट के पास जाना है तो उसने यूं जाना है, और अगर इसने सी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो एक्चुअली यूं कम्युनिकेट कर रहा होगा, ठीक है। सी ने भी अगर इस तरह कम्युनिकेट करना है तो इस तरह करेगा। अब हम देखेंगे कि जब हमने कन्वर्जेंस करनी नेटवर्क के अंदर तो फिर हम कैसे करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने स्विच ब्रिज आईडी, स्विच पोर्ट्स और स्विचिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और स्पैनिंग ट्री पाथ वैल्यूज वगैरह कर ली। अब आगे स्पैनिंग ट्री स्टेट्स, पोर्ट्स की स्टेट्स कौन कौन सी हैं। डिसेबल स्टेट कि भाई अगर मेरे पास ये स्विच लगे हुए हैं तो इनकी पोर्ट्स की स्टेट्स होगी, ठीक है। ये रूट पोर्ट, नॉन रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स ये नहीं है, हर पोर्ट का स्टेटस होगा। डिसेबल पोर्ट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसेबल कर दी, से फॉर एग्जांपल मैं बड़ा तंग था इस पोर्ट से, ये कोई फ्लैप करती थी और नेटवर्क ऊपर नीचे होता था, BPDU टाइप की जो TCN BPDU जनरेट होते थे और कुछ मसला होता था, मैंने इस पोर्ट को डिसेबल कर दिया बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ब्लॉकिंग स्टेट, ब्लॉकिंग स्टेट का क्या मतलब कि मैंने ब्लॉक कर दी, ब्लॉकिंग स्टेट है, इसके अंदर ना BPDU आ जा सकते हैं, कोई ब्रिजिंग लूप्स फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह हम वो जब यू की डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे यू क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। लिसनिंग स्टेट, नो सेंड एंड रिसीव बट माइट गेट टू फॉरवर्डिंग, कि अभी लिसनिंग कर रहा है, लिसनिंग के बाद लर्निंग और फॉरवर्डिंग करेगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। इसके लिए मैं ट्रांजिशन डिलेज हम देखेंगे। आफ्टर फॉरवर्डिंग डिले जो कि 15 सेकेंड का डिले है इन द लिसनिंग स्टेट, द पोर्ट इज अलाउड टू मूव इन टू द लर्निंग स्टेट, कि 15 सेकेंड लिसनिंग के बाद लिसन करेगा, हाँ अब मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई BPDUs जो मैंने सेंड किए हैं कोई वापस तो नहीं आ रहे, लूप्स तो नहीं है नेटवर्क के अंदर, थोड़ी देर 15 सेकेंड के बाद वो लर्निंग स्टेट में आएगा, कुछ मैक एड्रेस अपने पास लर्न करेगा अपने अपने उस पोर्ट से लगे हुए, और उसके बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाएगा और फिर वो BPDU सेंड भी करना शुरू करेगा, और ये फंक्शनिंग स्टेट है, दिस इज द फंक्शनिंग स्टेट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की हम लोग बात करें, हम अभी RSTP और बाकी पोर्टों की बात नहीं कर रहे, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे उसने सिस्को की बुक ने एक क्विकली मैप दिया हुआ कि डिसेबल स्टेट है, पोर्ट ना कुछ BPDU रिसीव कर सकती ना कुछ कर सकती है, और द पोर्ट कैन नॉट सेंड एंड रिसीव डाटा, डाटा भी नहीं कर सकती, ड्यूरेशन कोई ड्यूरेशन नहीं है। ब्लॉकिंग स्टेट, ब्लॉकिंग स्टेट में BPDU रिसीव करती, ये कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है, वरना आपको आगे मैं जाके कन्वर्जेंस समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कहा मेरे पास ये 3 स्विचेस की टोपोलॉजी है, ठीक है, और आपने कहा सर ये रूट पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी, और ये जी मैंने कहा ब्लॉकिंग पोर्ट है। अब जी ये ब्लॉकिंग है, और अगर ये लिंक डाउन हो जाता है और रूट के पास से BPDU जब आता है तो ये अब कैसे हो गया, ये तो ब्लॉकिंग स्टेट में थी बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉकिंग पोर्ट के अंदर मैं BPDU लिसन जरूर कर सकता हूँ, ठीक है, मगर पोर्ट कैन नॉट सेंड एंड रिसीव डाटा और लर्न मैक एड्रेसेस लर्न नहीं कर रही। अब अगर मैं यहाँ पे आपको वापस पिछली स्लाइड पे लेके जाऊँ तो मैंने क्या कहा था कि ब्लॉकिंग के बाद ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर, ठीक है, आप मैक एड्रेस लर्न नहीं कर रहे, ब्लॉकिंग से आप लिसनिंग में जाओगे, लिसनिंग से लर्निंग और फॉरवर्डिंग में जाओगे, ठीक है। ये स्टेट्स याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप भूल गए तो आपको आगे की कन्वर्जेंस समझ नहीं आएगी, फिर आपको स्पेनिंग ट्री की सारी स्टोरी नहीं समझ आएगी। अब आगे लिसनिंग स्टेट, लिसनिंग स्टेट क्या, सेंड एंड रिसीव BPDU अब सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, ठीक है, सेंड एंड रिसीव डाटा और लर्न मैक एड्रेसेस लिसनिंग स्टेट में भी कर सकता है,
मगर 15 सेकेंड का टाइमर है उसके अंदर, ठीक है, मगर सॉरी सेंड एंड रिसीव डेटा और लर्न मैक एड्रेसेस नहीं करेगा, ठीक है, लिसनिंग स्टेट में, क्योंकि अब लिसन करना शुरू कर दिया और ये 15 सेकेंड इस डिले के अंदर रहेगा, इसको फॉरवर्डिंग डिले कहते हैं, कुछ लोग इसे FD कहते हैं, ठीक है, अगर आप कन्वर्सेशन करो कुछ FD 15 सेकेंड्स, ठीक है, फॉरवर्डिंग डिले आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लर्निंग स्टेट, सेंड एंड रिसीव BPD या लर्न मैक एड्रेस, अब लर्न करना शुरू कर दिया मगर अभी जो सा है डाटा फॉरवर्ड नहीं करना शुरू किया, फिर 15 सेकेंड डिले, 15 सेकेंड के बाद फॉरवर्डिंग स्टेट और इनडेफिनेट ड्यूरेशन तक रहेगा अनटिल अनलेस लूप नहीं डिटेक्ट होता। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी, आपको याद होगी हमने CCNA में डिस्कस किया था, आपने एक PC लिया, PC आपने प्लग इन किया स्विच पोर्ट के ऊपर और स्विच पोर्ट के पास जाके खड़े हो जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड स्विच आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस के साथ, और आप नोटिस करें इसकी जो LEDs हैं वो ब्लिंकिंग कैसे होती हैं, 15 सेकेंड LED ब्लिंक करेगी एम्बर कलर की, फिर थोड़े 15 सेकेंड और लगेंगे और उसके बाद आपका स्विच अप होगा और आपका PC जो पोर्ट अप होगी और आपको ये देगी। वो एक्चुअली क्या हो रहा था, वो 30 सेकेंड वो अपनी पोर्ट को लिसनिंग स्टेट में लेके गया, फिर लर्न किया उसने मैक एड्रेस और फिर फॉरवर्डिंग करना शुरू हो जाएगा। अब PC लगाया हुआ, PC से लूप क्रिएट होना पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है कि PC में लूप हो रहा हो, PC से लूप हो रहा हो, कि भाई पॉसिबिलिटी है कि PC से एक और केबल निकल के स्विच के अंदर जा रही हो, वेरी लेस पॉसिबल, नो पॉसिबिलिटी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने PC की दूसरी पोर्ट लगाई हुई है तो आप उसको एज अ रूटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ब्रिजिंग लूप नहीं क्रिएट कर सकते आप, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई डॉजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और कुछ हैकिंग वैकिंग का कॉन्सेप्ट हो तो ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये 30 सेकेंड के डिले से जान छुड़ाना चाहते हैं, वी डोंट लाइक 30 सेकेंड्स डिले, नेटवर्क बड़े फास्ट हैं, हमें जो 1 सेकेंड डिले भी, वी डोंट लाइक इट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट की कमांड दी थी इसके ऊपर, तो उसने स्पैनिंग ट्री डिसेबल कर दिया था इस पोर्ट के ऊपर। जब हमने स्पैनिंग ट्री डिसेबल कर दिया तो ये जिस तरह पोर्ट लगी स्विच को पता है नथिंग इस PC और मुझे यहां से लूप नहीं मिलेगा, मैं ट्रस्ट करता हूँ इस पोर्ट के ऊपर, और वो पोर्ट जो सा है स्ट्रेट अवे एक्टिव या फॉरवर्डिंग स्टेट में चली जाती है। इसीलिए जब BPDU स्विच ने सेंड करना होता है तो इन पोर्ट्स पे कभी सेंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है इस पोर्ट पे कभी भी स्विच नहीं लगा हुआ, इस पोर्ट पे अगर आप स्विच लगा दो तो क्या होगा ये आपने मुझे बताना। आगे चलते हैं, अब आगे STP के टाइमर्स। अब हमने पीछे से सारी स्टोरी हमें पता है, हमने पीछे पढ़ लिए स्टेट्स, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, और अब हमारे टाइमर, ठीक है। BPDU इज सेंड बाय द रूट ब्रिज इन 802.1D आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स, हर 2 सेकेंड के बाद जो है BPDU सेंड कर रहा है, ठीक है। TCN BPDU आप में से कोई भी सेंड कर सकता है, वो इस अ डिफरेंट टोपोलॉजी थी। BPDU हर 2 सेकेंड के बाद रूट ब्रिज सेंड कर रहा है, हर 2 सेकेंड के बाद BPDU इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और स्विच चेक कर रहा है, ठीक है, उसके साथ एज भी करेगा, अभी हम देखेंगे। ये एक टाइमर है स्पैनिंग ट्री का, ये आपने याद रखना है। दूसरा टाइमर फॉरवर्डिंग डिले, स्विच पोर्ट स्पेंड इन बोथ लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट, कि लिसन कर रही है, ठीक है, लिसनिंग स्टेट मैं BPDU लिसन कर रहा हूँ, लर्निंग स्टेट मैं मैक एड्रेसेस लर्न कर रहा हूँ, फॉरवर्डिंग स्टेट मैं अब सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप भूल गए हो, सेंड एंड रिसीव BPDU, मुझे पीछे से BPDU मिला, मैंने आगे BPDU फॉरवर्ड कर दिया, सेंड एंड रिसीव कर सकता हूँ लिसनिंग स्टेट में, मगर मैक एड्रेसेस लर्न नहीं कर सकता। लर्निंग स्टेट मैं BPDU सेंड एंड रिसीव कर सकता हूँ मगर मैक एड्रेसेस लर्न कर सकता हूँ मगर डाटा सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। मैक्सिमम एज, अगर मुझे कोई BPDU आया है, ठीक है, उस BPDU की इंफॉर्मेशन को मैं 20 सेकंड तक अपने पास रखूंगा, अगर 20 सेकंड तक मुझे BPDU नहीं आया तो फिर मैं पैनिक होना शुरू होगा, फिर मैं समझूंगा यार नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो गया, जो मेरी रूट पोर्ट थी, जो रूट तक जा रही थी, जो कोर ब्रिज तक जा रही थी या रूट ब्रिज तक जा रही थी, सॉरी मैं अब भी जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं आधी टर्म में गलत बोल रहा होता हूँ, ठीक है, आप फ्री में पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो रूट ब्रिज पे जा रही है, मैं अक्सर अपना लेक्चर प्रूफ लेसन कर रहा होता हूँ तो अक्सर मैंने ना एक दो टर्म्स गलत बोली होती है, मगर जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप लोगों को समझ आना चाहिए। तो ये मेरा रूट ब्रिज है, अब मैंने अपनी पोर्ट जो सी है, फॉर एग्जाम्पल ये रूट पोर्ट थी और ये यहाँ से रूट पोर्ट कनेक्टेड थी, ठीक है, अब मुझे 20 सेकंड तक BPDU रिसीव नहीं हुआ, मैं अपने बेस्ट BPDU जो लाइक लास्ट नोन गुड प्रॉम्प्ट सॉर्ट ऑफ थिंग है वो अपने पास सेव रखता हूँ 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक अगर मुझे BPDU नहीं आया तो मैं समझ जाऊँगा कि यार इस लिंक पे कोई मसला हो गया। ये जो चेंजेस हैं ये कहाँ पे फ़ायदेमंद होती हैं, 20 सेकंड तक मुझे नहीं आया तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा, यानी ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होता,
जब यहाँ से ट्रैफिक आ रही होती है और बीच में कहीं क्लाउड होता है, अब क्लाउड होना लेयर टू टोपोलॉजी के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई स्विच लगा हुआ और 20 सेकेंड तक मुझे उस स्विच के थ्रू जो जो मेरे रूट ब्रिज से BPDU आ रहे थे वो नहीं मिल रहे, तो मैं मैक्सिमम एज आउट कर दूंगा 20 सेकेंड का टाइमर लगा के, और उसके बाद फिर मैं अब ढूंढूंगा फाइनल सोल्यूशन ढूंढूंगा, भैया मैं क्या करूँ। ठीक है, तब तक आपका नेटवर्क जो है वो कन्वर्ज हो चुका होगा। अब ये लास्ट जो अभी तक हमने सारी सिचुएशन पढ़ी है स्पैनिंग ट्री के अंदर, कि स्पैनिंग ट्री में रूट ब्रिज बन गया, अब रूट ब्रिज जो है वो BPDU सेंड करता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो वो कैसे डिटेक्ट करता है, इस दिस लास्ट टू स्लाइड्स आर अबाउट STP कन्वर्जन। और ये याद रखना है, ये मैं बात कर रहा हूँ 802.11D की स्टैंडर्ड स्पैनिंग ट्री। ठीक है, अब इधर आपको टाइमर याद होने चाहिए, पोर्ट स्टेटस याद होने चाहिए, ये नॉर्मल नेटवर्क था। अब नेटवर्क के अंदर क्या हुआ, ये लिंक फेल हो गया, ये लिंक फेल हो गया और स्विच ने डिटेक्ट किया, स्विच ने डिटेक्ट किया, कौन कौन सा स्विच डिटेक्ट करेगा, स्विच ए डिटेक्ट करेगा और स्विच सी डिटेक्ट करेगा, इसका इंटरफेस जो है 1/1 है और उसका 1/2 है, और ये रूट पोर्ट थी मेरी। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि स्विच जो सी है उसने डिटेक्ट किया कि भाई नेटवर्क डाउन हो गया, मुझे क्या करना है, TCN भेजना है। TCN क्या था, BPDU के पैकेट की सेकंड टाइप थी, विच इज कॉल्ड टोपोलॉजी चेंजिंग नोटिफिकेशन। अब ये जो है ये रूट को ये टोपोलॉजी चेंजिंग नोटिफिकेशन नहीं भेज सकता, क्यों नहीं भेज सकता, क्यों, क्योंकि ये इसका तो लिंक ब्रेक हो गया, यहां से भी नहीं भेज सकता, ब्लॉक पोर्ट है, यहां से ये क्या कर सकता है, क्वेश्चन मार्क। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ब्लॉकिंग पोर्ट स्टेटस पे क्या होता है, कि मैं BPDU सिर्फ लिसन कर सकता हूँ, जस्ट टू प्रूफ इट, ब्लॉकिंग स्टेट कैन रिसीव अ BPDU। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, वरना ये आपको टोपोलॉजी समझ नहीं आएगी। तो मैं ज़रा स्लाइड से दोबारा क्लियर कर दूँ, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंजेस, लिंक डाउन हो गया, पैनिक, स्ट्रेट अवे मुझे पता चल गया लिंक डाउन हो गया, टोपोलॉजी चेंज हुआ। ठीक है, कोई इंटरफेस अप एंड डाउन हुआ, स्विच को पता चल गया, स्विच अब TCN जनरेट करना चाहता है बट कैन नॉट सेंड इट, मगर कोर को तो पता है, रूट को तो पता है, मैं रूट कोर इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। ए सेंड, ए नीड टू सेंड द TCN, अब तो उसने TCN सेंड करनी है। ठीक है, उसने एक BPDU बनाया TCN टाइप का। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा अगली स्लाइड में TCN BPDU के पैकेट का दिखा दूँगा आपको, और उसने वो सेंड किया स्विच बी को, स्विच बी ने रिसीव किया, उसने अपनी जो टोपोलॉजी अपडेट कर ली, उसने कहा ठीक है मुझे पता चल गया TCN को चेंज हो रहा है, और उसने वो फॉरवर्ड भी करना है आगे, और उसने इसको फॉरवर्ड किया। ठीक है, और उसने वो टेबल जो सा है वो इन्फॉर्मेशन जो सी है वो स्विच 5 के ओबी पहुंचा दी। अब जब TCN BPDU किसी स्विच को रिसीव होता है तो स्विच सबसे पहले क्या करता है, ब्रिज टेबल एजिंग टाइम। ठीक है, अब ये ब्रिज टेबल एजिंग टाइम नहीं, यहाँ पे टर्म होनी चाहिए थी मैक टेबल एजिंग टाइम। ठीक है, यहाँ ब्रिजेज यूज करें, ब्रिजेज स्विचेज इंटरचेंजेबली यूज होता है। आपको याद हो कि आपके स्विच के अंदर एक मैक टेबल होता है, ठीक है, इस तरह का मैक टेबल होता है, उसमें मैक एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, ये आपका मैक टेबल है, शो मैक डैश एड्रेस डैश टेबल, सो मैक स्पेस एड्रेस डैश टेबल कमांड है। ठीक है, आपको पता होता है आपकी कौन सी पोर्ट के साथ कौन कौन सा मैक एड्रेसेस लगा हुआ है। अब जिस तरह ही स्विच बी और स्विच सी को ये कमांड मिलेगी BPDU TCN, इसका मतलब ऐसे पता चल गया भैया नेटवर्क में कोई चेंजेस हुई है, कोई मसला हुआ है, मैं अपने तमाम ब्रिजिंग टेबल को फ्लश कर दूंगा। ठीक है, नॉट लिटरली एवरी एवरी मैक एंट्री, जो मैक एंट्री जो सी है यूज नहीं हो रही होगी, इस अ ट्रिक कि अगर से फॉर एग्जाम्पल इधर APCA लगा हुआ था और वो डाटा सेंड कर रहा था, अगर उसकी एंट्री फ्लश कर दूंगा तो उसका टाइम आउट आ जाएगा, मैं ये नहीं चाहता, तो वो एंट्री यूज हो रही होगी तो उसको फ्लश नहीं करेगा, जो एंट्रीज यूज नहीं हो रही होंगी से फॉर एग्जाम्पल पोर्ट 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, तो क्या करेगा, शॉर्टर देयर ब्रिजिंग टेबल एजिंग टाइम्स, और उसको फ्लश करने के बाद उसको रिफ्रेश कर लेगा, सॉर्ट ऑफ रिफ्रेश, नॉट लिटरली अ फ्लश, शॉर्टन कर लेगा। ठीक है, और अब ये स्विच को एक सुपीरियर BPDU मिल गया, ठीक है, बेटर BPDU नंबर था, से फॉर एग्जाम्पल नंबर इंक्रीमेंटल था, रिसीव फ्रॉम द रूट, रूट से रिसीव हुआ पोर्ट 1/2 से, तो मैं क्या करूँगा, मैं मुझे पता है कि ये मेरी पोर्ट डाउन है और मैं BPDU TCN का इंतज़ार कर रहा था, मैंने इस पोर्ट को अब क्या कर दिया, रूट पोर्ट कर दिया और ये ब्लॉक कर,
अब जब मुझे ये पैकेट मिला तो अंदर एक प्रोसेस रन हुआ। वो प्रोसेस क्या था, मैंने तमाम फ्लश कर दिए रूट एंट्रीज, मेरी ये पोर्ट जो सी है ये ब्लॉकिंग स्टेट में थी, पहले ये गई लिसनिंग स्टेट में, कितनी देर रहेगी, 15 सेकेंड्स, फिर ये कौन सी स्टेट में जाएगी, लर्निंग स्टेट, 15 सेकेंड, और फिर ये फॉरवर्डिंग शुरू करेगी। तो ये जो यूज़र जो पोर्ट स्विच सी के साथ कनेक्टेड थे, इन्हें कितनी देर का डिले मिलेगा, 30 सेकेंड्स। ओ माई गॉड, आज के नेटवर्क के अंदर 30 सेकेंड्स डिले। कोई फोन पे था, कोई ब्राउजिंग कर रहा था, किसी की FTP सर्विसेज चल रही थी, बल्कि SFTP सर्विसेज चल रही थी, कोई YouTube पे वीडियो देख रहा था, 30 सेकेंड। ओ माई गॉड, मैं वीडियो अगर पॉज करूँ यहाँ पे 30 सेकेंड के लिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, अभी तक सिर्फ 5 सेकेंड हुए हैं। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 30 सेकेंड, इट्स अ ह्यूज डिले वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट एक्सेप्टेबल। मी बीइंग अ यूजर और आप नेटवर्क इंजीनियर हैं और मुझे 30 सेकेंड डिले आता है, आई एम नॉट हैप्पी विद यू, ट्रस्ट मी। तो फिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये 802.11d है, पुरानी टेक्नोलॉजी जो स्पैनिंग ट्री सारा कुछ बेस कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। हम टाइमर ट्वीक कर सकते हैं, 5-5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड भी अभी मैंने पॉज की थी अपनी रिकॉर्डिंग, तो आपको लगा था कि पता नहीं क्या हो गया, शायद आप लोगों ने आधों ने अपने माउस भी हिला के देखा हो कि ये यूट्यूब तो नहीं ब्लॉक होगी, कुछ तो नहीं हो गया, ये डेली मोशन तो नहीं रुक गई, ठीक है। या आप में से जो डाउनलोड करके लेक्चर सुन रहे हैं, पता नहीं, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, सर डाउनलोड नहीं होते लेक्चर, अनफॉर्चुनेटली हम लोग डाउनलोड फैसिलिटी नहीं देते। अगर आप यूट्यूब या डेली मोशन से डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स नथिंग नथिंग टू डू विद अस, ठीक है, ये आप लोगों ने वर्कआउट करना। एनीवे, तो 30 सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब दूसरा टाइप ऑफ डिले, दैट्स वेरी वरीसम, ये बहुत परेशान कन है। हुआ क्या कि ये लिंक जो है इनडायरेक्ट था, यानी मेरा पोर्ट 1/1 डाउन नहीं हुई, 1/2 डाउन नहीं हुई, मगर हमें BPDU मिलने बंद हो गए, रास्ते में कोई और चीज़ लगी हुई थी और वो चीज़ डाउन होगी, मगर हमारे लिंक, ये वाले लिंक डाउन नहीं होंगे, यानी इंटरफेस FA1/2 इज नॉट डाउन, FA1/1 इज नॉट डाउन। मगर अब क्या हुआ, डेटा इज फिल्टर्ड, किसी ने ACL लगा दी, या कुछ हो गया बीच में, फायरवॉल लगी हुई थी उसमें ACL लगे, ठीक है, या कुछ कुछ भी मसला हो सकता है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल थी भाई, Layer 2। आप में से जितने लोग Layer 3 सोच रहे हैं, भूल जाओ, अभी Layer 3 हमें नहीं पता, अभी हम स्विचिंग पढ़ रहे हैं। तो डेटा इज फिल्टर, ठीक है, और हुआ क्या, 20 सेकेंड हो गए, मुझे BPDU रिसीव ही नहीं हुआ रूट पोर्ट से, रूट BPDU जो मेरे पास BPDU की एंट्री आती थी रूट के पास से, 20 सेकेंड हो गए, टाइमर एक्सपायर हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं बैठा हूं इंतजार कर रहा हूं। अब मुझे BPDU हर्ड हुआ ब्लॉकिंग पोर्ट से, ठीक है, टाइमर एक्सपायर हो गया, मैं सिर्फ BPDU यहां से लिसन कर रहा था, मुझे पता था ये वाले BPDU को मैं प्रायोरिटी नहीं देता, ठीक है, मगर यहां से BPDU आया मेरे पास, ठीक है, TCN कोई सेंड नहीं हुआ, किसी ने कोई TCN सेंड नहीं किया, मुझे ऑल ऑफ द सडन न्यू BPDU हर्ड हुआ फ्रॉम द रूट, मुझे यहाँ से BPDU आ रहे थे, मैं सुन नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास बेस्ट नॉन एंट्री थी, मेरे पास पड़ी हुई थी 20 सेकेंड्स, मैं इसी पोर्ट से लिसन करूंगा। 20 सेकेंड्स तक मुझे कोई नया BPDU रिसीव ही नहीं हुआ इस पोर्ट से जिससे मैं लिसन कर रहा था, तो मैंने मैक्स आउट कर दी एंट्री, एक्सपायर कर दिया, अब मैंने BPDU को सुन रहा और मुझे यहाँ से कोई BPDU आया नहीं, तो अब मैं नहीं नए ऑप्शंस इन्वेंट करूंगा ना। अगर आपको 1 महीने तक कहीं से तनख्वाह नहीं आती, आप नई नौकरी ढूंढते हैं ना, तो कुछ इस तरह हुआ, रूट ब्रिज को तो नहीं पता, ठीक है, रूट ब्रिज का जो BPDU था वो स्विच बी से आया मेरे पास, न्यू BPDU हर्ड फ्रॉम रूट पोर्ट 1/2 से, ठीक है, और मैंने पोर्ट को क्या किया, अनब्लॉक किया, लिसनिंग स्टेट में गया, तो क्या मसला, कितना टाइम डिले आएगा, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, पॉसिबिलिटी ऑफ 2 सेकेंड, ये क्यों है, ये 20 सेकेंड तो मुझे पता चल गया, जो मैंने
इस स्लाइड में मैक्स आउट टाइमर बताया था आपको, ठीक है। ये 20 सेकंड इसने इंतजार किया, बीपीडीयू मुझे रिसीव नहीं हुआ, मैं समझ गया नेटवर्क डाउन था, कुछ भी हुआ, ये इनडायरेक्ट अपोलॉजी चेंज है। 2 सेकंड क्या कि 20 सेकंड के बाद मैंने टाइमर आउट किया, तो ये 2 सेकंड के बाद बाद बीपीडीयू भेज रहा था। अगर मैंने वो बीपीडीयू मिस कर दिया तो फिर मुझे 2 सेकंड के बाद दूसरा बीपीडीयू आएगा, तो इसलिए 2 सेकंड। अब मुझे पता चल गया बीपीडीयू यहाँ से आया, मुझे इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाना है, यहाँ से मैं रूट तक जा सकता हूँ। अब मैंने 15 सेकेंड लिसनिंग और 15 सेकेंड लर्निंग, कितने, 30, 40, 50, 52 सेकेंड्स। ये बड़े परेशान कुन है कि 52 सेकेंड्स टाइम डिले आएगा। समझ आ गई, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। स्पैनिंग ट्री स्विचेस लूप क्रिएट करेंगे, स्विचेस नेटवर्क पे आएंगे, सब समझेंगे मैं रूट हूं और बीपीडीयू सेंड करेंगे, उन्हें बीपीडीयू वापस मिलेगा, उन्हें समझ आ जाएगी लूप है, वो इलेक्शन करेंगे, रूट ब्रिज बन जाएगा, रूट ब्रिज अब बीपीडीयू सेंड करेगा, बीपीडीयू स्विच बी के पास जाएगा, सी के पास, डी के पास, और वो अपनी रूट पोर्ट्स बना लेंगे, बाकी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स बना लेंगे, जिसकी मैक एड्रेस कम होगा वो ब्लॉकिंग पोर्ट्स में चला जाएगा, एक सेगमेंट पे एक ब्लॉकिंग पोर्ट, सारा कुछ क्लियर है। अब एक डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज है जिसमें मुझे इंटरफेस डाउन होता है, मेरे स्विच को पता चलता है, स्विच अपडेट भेज देता है। एक इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज है जिसमें अपडेट होता है टाइमर बीपीडीयू का एक्सपायरी टाइमर, क्योंकि मेरे इंटरफेसेस डाउन नहीं हो रहे मगर मुझे बीपीडीयू मिलना बंद हो गया। भाई मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ मगर तनख्वाह नहीं मिली, अब मैं परेशान हूँगा, ठीक है। तो हर बंदे का जो है एक्सपायरी टाइमर है। अब एक बंदा जिसको हर हफ्ते के हफ्ते तनख्वाह मिलती है, उसको एक हफ्ते ना मिले तो उसे पता चल जाएगा, मगर जिसको महीने के महीने मिलती है उसको 30 दिनों के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा चक्कर है, तो इसमें 52 सेकेंड्स टाइम डिले आएगा इनडायरेक्ट अपोलॉजी चेंज। एक और आपकी बुक ने डिस्कस किया हुआ इनसिग्निफिकेंट डिले कि आपके पास पीसी लगा हुआ और पीसी डाउन हो गया, ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, वो बीपीडीयू टीसीएन बनेगा, वो कोर के पास जाएगा, कोर अपने पास सबको अपडेट कर देगा, भाई स्विच अपडेट हुआ है, मैक एड्रेस अपडेट हुआ है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। बिग प्रॉब्लम इनडायरेक्ट अपोलॉजी चेंज है 52 सेकेंड। अब इसमें अगर आप टाइमर देखें तो आप कहाँ कहाँ कट कर सकते हो, इस स्टेट को कट कर सकते हो, इस स्टेट को कट कर सकते हो, इस स्टेट को कट कर सकते हो। 15 सेकेंड्स लिसनिंग लर्निंग क्यों करता है, कोई लिंक फ्लैप ना कर रहा हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू गाइस कि भाई आपने कौन से टाइमर ट्वीक करने हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। इनसिग्निफिकेंट चेंजेस की भी मैंने एक स्लाइड बनाई हुई थी। इस सारे लेक्चर को समअप करें तो मैं मेरे ख्याल में अभी स्पैनिंग ट्री थोड़ा सा समझा है, और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल स्लाइड्स आर दीज टू लास्ट टू स्लाइड्स कि डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज क्या होती है और इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज क्या होती है। आपको टाइमर याद होने चाहिए 15, 15, 2, 30, 15 लिसनिंग, 15 लर्निंग, 20 सेकेंड टाइमर और 2-2 सेकेंड के बाद बीपीडीयूज, और बीपीडीयू की दो टाइप, सिंपल बीपीडीयू, एक टीसीएन बीपीडीयू जिसे कहते हैं टोपोलॉजी चेंजिंग, ठीक है। मैक टेबल का जो एजिंग टाइम होता है ना वो 300 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, 300 सेकेंड्स होते हैं, मगर जब उसे टीसीएन बीपीडीयू मिल जाता है तो वो अपने टाइमर को शॉर्टन कर देता है, वो मेरे ख्याल में 15 सेकेंड कर देता है रफली, मुझे अगर अंदाज़ा है। तो आज हमने जो है स्पैनिंग ट्री को बेसिक टोपोलॉजी पढ़ी, मगर आपको थोड़ा अब हम सीसीएनए लेवल से ऊपर ले गए, एलिवेट हो गया आप लोगों का स्टेटस, नाउ वी आर डूइंग सीसीएनपी, ठीक है। अब हम इससे आगे जो है स्पैनिंग ट्री के कन्वर्जेंस को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर हम पीवीएसटी को पढ़ेंगे और रैपिड स्पैनिंग ट्री। रैपिड स्पैनिंग ट्री इज द लास्ट थिंग, मेरे ख्याल में हर नेटवर्क के अंदर आरएसटीपी प्लस आरएसटीपी चल रहा है, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।